Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आज भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था से जुड़ी हमारी चर्चा के श्रृंखला में हम केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे केंद्रीय कार्यपालिका से यहाँ पर हमारा मुख्य तात्पर्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके मंत्रिपरिषद और आ, कुछ हद तक ब्यूरोक्रेसी से हो सकता है आ, इनको जब हम एक साथ सामने लेके आते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं Uh, मेरा मुख्य रूप से ध्यान रहेगा राष्ट्रपति के पद पर उनके शक्तियों पर और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों पर और उसके बाद हम प्रधानमंत्री की उनके मंत्रिमंडल या कैबिनेट में स्थिति पर भी चर्चा करेंगे हम uh, संवैधानिक प्रावधानों को समझने की कोशिश करेंगे हम कुछ ऐसी बुनियादों की को भी समझने ऐसी बुनियादी बातों को भी समझने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आम तौर पर यह मान लिया जाता है कि किताबों से पढ़कर विद्यार्थी इसे समझ सकते हैं मसलन राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है तो मैं संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है और उसके बाद हम व्यवहारिक स्तर पर भी आएंगे कि कैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध रहे हैं स्वतंत्र भारत में और उसी तरीके से एक प्रधानमंत्री की अपने कैबिनेट में कैसी स्थिति रही है बिल्कुल संक्षेप में मैं अगर आपको बताऊं कि हमारी पूरी चर्चा की का का जो स्वरूप होगा वह कैसा होगा तो वो निम्नलिखित तरीके से होगा सबसे पहले तो हम राष्ट्रपति पद के बारे में ही विस्तार से बात करेंगे कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या हैं या उनके निर्वाचन प्रक्रिया क्या है या राष्ट्रपति को कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है और उसके बाद हम राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों पर ध्यान देंगे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ या वित्तीय वित्तीय शक्तियाँ या न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं इनके बारे में हम एक समझ बनाएंगे और उसके बाद हम आखिरी चर्चा के जो हमारा आखिरी दौर होगा उसमें हम राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति और प्रधानमंत्री से उनके संबंध और कैबिनेट में प्रधानमंत्री की स्थिति को समझेंगे और आखिर में निष्कर्ष के रूप में मैं कुछ बिंदुओं को आ, आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि आखिर हमारे संविधान के भीतर जिस तरीके की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है उसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लागू करने के लिए किस प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं या मौजूदा स्थिति में किस प्रकार की ऐसी आदर्श परिकल्पना को समाहित किया जा सकता है जिससे जो केंद्रीय कार्यपालिका है वह ज़्यादा बेहतर और संतुलित तरीके से कार्य कर सके तो जो सबसे बुनियादी बात है वह यह है कि भारत में संघीय कार्यपालिका आंशिक रूप से चुनी जाती है और आंशिक रूप से मनोनीत होती है इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट तथा नौकरशाही सम्मिलित होती है भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका प्रमुख का प्रमुख राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान है कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है तो ये चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत है ये भारत के कार्यपालिका के संदर्भ में सबसे बुनियादी बात है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के प्रधानमंत्री होते हैं और वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट के हाथों में होती है और भारत में जो राष्ट्रपति शब्द है वो निश्चित रूप से अमेरिका के कार्यपालिका के प्रधान की याद दिलाता है क्योंकि वहाँ भी जो कार्यपालिका का जो मुखिया होता है उसे राष्ट्रपति बोलते हैं और हमारे यहाँ भी उसके लिए प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन आ, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी स्थिति काफ़ी हद तक ब्रिटिश शासन में जो एक सर्वोच्च पद पर जिन्हें नाम मात्र का मुखिया माना जाता है यानी कि वहाँ के क्राउन जो कि किंग या क्वीन हो सकते हैं उनकी स्थिति की तरह होती है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक के रूप में ही होती है तो ये अमेरिका से अलग है और काफ़ी हद तक ब्रिटेन में जो किंग या क्वीन की जो भूमिका होती है उसके करीब है अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति कौन के पद से कैसे हटाया जा सकता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है उसमें किस तरीके की योग्यताएं या अहर्ताएं होनी चाहिए सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव वही लड़ सकता है जो भारत का नागरिक हो अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वह किसी शासकीय पद पर ना हो भारतीय संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय अधिकारी के अधीन किसी संवेतन पद पर नियुक्त हो वह राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकता है इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति यह फैसला करता है कि उसे राष्ट्रपति पद पत का चुनाव लड़ना है तो वह अपने मौजूदा पद से इस्तीफा देकर ही ऐसा कर सकता है अगर आप पिछले दो राष्ट्रपतियों को याद करें जैसे रामनाथ कोविंद जी ने जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का फैसला किया आ, या उनकी पार्टी ने जब उन्हें इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया तो वे बिहार के राज्यपाल थे उन्होंने बिहार के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया और फिर उन्होंने नामांकन भरा उसी तरीके से प्रणब मुखर्जी ने जब दो, दो हजार में यह राष्ट्रपति पद पत का चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से अपना इस्तीफा दिया तो कोई व्यक्ति अगर किसी पद पर है तो उससे इस्तीफा उसे देना जरूरी होता है और अगर हम भारत के राष्ट्रपति पद पत के निर्वाचन की प्रक्रिया पर ध्यान दें तो यह काफ़ी हद तक जटिल सा लग से लगने वाली प्रक्रिया है क्योंकि हम जिस तरीके से संसद का चुनाव देखते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव संसद में बहुमत दल के नेता के रूप में होता है उससे थोड़ी अलग राष्ट्रपति पद की का चुनाव होता है क्योंकि इसमें आ, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य वोट डालते हैं और संसद के सदस्य भी वोट डालते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में के बारे में मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद चौवन के तहत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से अधिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है इसमें बहुत सारे शब्द हैं मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे शब्दों के बारे में हम जानते होंगे और कुछ जो शब्द हैं जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति वो आगे स्पष्ट हो जाएंगे गुप्त मतदान मुझे उम्मीद है आप समझते होंगे ऐसा मतदान जिसमें कि यह पता नहीं होता है कि मतदाता ने किसे मत दिया अब राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य नहीं तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं यानी जिन राज्यों में विधान परिषद हैं वहाँ के जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के सदस्य वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचित या निर्वाचक मंडल में विधानसभाओं के सदस्यों को इसलिए स्थान दिया जाता है क्योंकि राष्ट्रपति केवल केंद्रीय शासन का ही नहीं वरन पूरे भारतीय राज्य का प्रधान होता है राष्ट्रपति पद के लिए मतदान गुप्त आधार पर होता है विजयी होने वाले प्रत्याशी को मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान देंगे क्योंकि जो मतों का मूल्य होता है एक विधानसभा के सदस्य का और एक लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य का अलग अलग होता है तो सबसे पहले जो प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा एक हजार के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने से प्राप्त होता है यानी कि जैसे कि मैंने आपको नीचे दिखाया है कि एक विधायक के मत का मूल्य जो होता है वो राज्य की कुल जनसंख्या में जब हम भाग देते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का और उससे एक हज़ार गुणा करने का तो वहाँ पर एक विधानसभा के सदस्य का के मत का मूल्य हमें प्राप्त हो जाता है और संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्यों मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य जो होता है वो सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य के बराबर के मूल्य को जब हम भाग देते हैं संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से अब यहाँ यह ध्यान देने की जरूरत है कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके अलग अलग राज्यों के विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य अलग अलग होता है लेकिन संसद के सभी सदस्यों के मतों का मूल्य एक जैसा होता है उसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए एक न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है जिसमें कुल दिए गए मतों की संख्या को एक से जोड़ा जाता है और उसको फिर भाग दिया जाता है निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या प्लस एक से और उस पर उसके आधार पर एक निर्वाचित न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है और जो व्यक्ति एक उस निर्वाचित कोटा को प्राप्त कर लेता है वो राष्ट्रपति पद पत के लिए रूप में चुना के रूप में चुना जाता है अब होता ये है जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति का अर्थ है कि सबसे पहले हर उम्मीदवार की प्रथम वरीयता हर जो उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल की सदस्यों की प्रथम वरीयता का वोट मिलता है यानी कि अगर जब हम वोट डालने जाते हैं और अगर हम निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं तो हम अपनी वरीयता एक दो या तीन दे सकते हैं एक भी देकर छोड़ सकते हैं तो सबसे पहले ये काउंट किया जाता है कि एक क्या सब प्रथम वरीयता के आधार पर कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा हासिल कर ले रहा है अगर वो कर लेता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है अगर वो नहीं करता है या कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा हासिल नहीं कर पाता है तो फिर दूसरे चरण की यानी कि दूसरी वरीयता किन कितने उम्मीदवारों को प्राप्त हुई है उसके आधार पर न्यूनतम कोटा को हासिल करने वाले उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद पत के चुनाव का विजयी उम्मीदवार घोषित किया जाता है अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है और उस उन पाँच वर्षों के भीतर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया काफ़ी टेढ़ी है और अभी तक इसका इस्तेमाल हमारे देश में नहीं किया गया है और राष्ट्रपति को के को उनके पद से हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं राष्ट्रपति को जो उनके पद से हटाने की पूरी प्रक्रिया है उसे इम्पीचमेंट या महाभियोग के नाम से जाना जाता है और इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को चौदह दिन का नोटिस देना होता है इस पर यानी कि जो नोटिस होता है उस पर कम से कम एक चौथाई सदस्यों के दस्तखत जरूरी होते हैं फिर सदन उस पर यानी कि जिस सदन में इसे इस तरह की नोटिस दी जाती है उस पर विचार करता है और अगर दो तिहाई सदस्य उसे मान लें तो फिर वो दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन उसकी जांच करेगा और उसके बाद दो तिहाई समर्थन से वो भी पास कर देता है तो फिर राष्ट्रपति को उनके पद से हटा हुआ माना जाएगा ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि अगर कोई आ, किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है तो एक तो उनके खिलाफ बहुत ही ठोस आरोप होने चाहिए और दूसरा ये कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दो तिहाई मतों से उस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए तो अभी तक हमारे देश में आ, देश में कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है लेकिन ये एक प्रक्रिया के रूप में हमारे संविधान में दर्ज है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही संक्षिप्त रूप में यह समझ पाए होंगे कि हमारे देश देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उन्हें उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हमारे सामने स्पष्ट होती जाएंगी कि संविधान में किस तरीके से राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं या राष्ट्रपति के नाम से जो शक्तियाँ हैं उसे प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हवाले किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद तिरपन के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ उनकी सामान्यकालीन शक्तियों में राष्ट्र उनकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद तिरपन में संघीय सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में लिखा है कि शक्तियों का वास राष्ट्रपति में रहेगा एवं वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा संविधान यह भी उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु यह उसके कार्यों में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा संविधान में 24वें संशोधन द्वारा यह भी जोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा पहले शुरुआत में यह स्थिति स्पष्ट नहीं थी और परंपरा के आधार पर यह मान लिया गया था कि प्रधानमंत्री के और मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति को कार्य करना होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत विवाद भी रहा जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे विशेष रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे लेकर कुछ बिंदु उठाए थे उन्नीस सौ पचास के दशक के आरंभ में बहरहाल जब हमारे संविधान में चौवालीसवां संशोधन हुआ 1978 या 1978 में तो उसमें यह जोर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए परामर्श पर मंत्रिमंडल में पुनर्विचार का आग्रह कर सकते हैं लेकिन मंत्रिमंडल अगर वही परामर्श राष्ट्रपति को वापस भेज देते हैं राष्ट्रपति सॉरी राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल का जो परामर्श है फिर से वापस चला जाता है तो राष्ट्रपति के पास और कोई उपाय नहीं रहेगा सिवाय उस पर दस्तखत करने के तो एक तरीके से ये स्थिति जो है वो चौवालीसवें संशोधन के बाद हो गई कि राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय मंत्रिमंडल के किसी प्रस्ताव को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं लेकिन जब पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल उसे फिर से वापस भेजेगा तो राष्ट्रपति को उस पर दस्तखत करना ही होगा राष्ट्रपति को संविधान द्वारा सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका संबंधी विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं शासन के अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सेनाध्यक्षों की नियुक्ति विभिन्न देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति आदि सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है यहाँ तक कि सभी केंद्रीय सेवाओं हेतु अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं अब यहाँ मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ये अधिकांश जो काम है जो कि हमने एक नियुक्ति के काम के रूप में देखा वह असल में प्रधानमंत्री की नियुक्ति को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश नियुक्तियों की एक परंपरा है एक परिपाटी है एक स्थापित व्यवस्था है और राष्ट्रपति उसमें जो केंद्र में सरकार होती है उसकी अनुशंसाओं का अनुपालन करते हैं राष्ट्रपति कभी भी अपने मन से इन बातों में आ, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ भी होती हैं और निश्चित रूप से जब हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ पढ़ रहे हैं तो उसमें से अधिकांश बातें जो हैं वो केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में है राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वर्ष का आय व्यय विवरण रखवाया जाता है राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक वित्त विधेयक अथवा अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती भारत की आकस्मिक निधि इस इसके नियंत्रण में होती है जिसमें से व्यय के लिए वह धनराशि दे सकता है यद्यपि इसके लिए संसद द्वारा स्वीकृति आवश्यक है राष्ट्रपति द्वारा हर पाँच वर्ष पर एक वित्त आयोग की भी नियुक्ति की जाती है जो संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की बारे में अपने संस्तुति देती है तो ये सारे काम जो हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है काम राष्ट्रपति के नाम से होता है लेकिन चूंकि वो नाम मात्र के प्रधान हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसाओं का पालन करते हैं राष्ट्रपति के पास कुछ नैतिक शक्ति सॉरी न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं न्यायपालिका के संबंध में भी राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त है उसमें वो समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम है और वो एक अलग पूरी प्रणाली है जिसके बारे में हमने न्यायपालिका के अध्ययन के दौरान देखा था आ, आ, या हम यह कह सकते हैं जो न्यायपालिका की जो पूरी व्यवस्था है आ, उसमें राष्ट्रपति एक बार फिर से नाम मात्र के प्रधान के रूप में काम करते हैं भारत के राष्ट्रपति को सभी राष्ट्रों के अध्यक्षों के समान न्यायिक विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं वह न्यायालय द्वारा दंडित किसी अपराधी को क्षमादान दे सकते हैं दंड को स्थगित कर सकते हैं रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं इसी प्रकार राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में क्षमाधान प्रतिविलंबन परिहरण ये जो शब्द हैं उसका मुख्य रूप से वही अर्थ है निलंबित कर देना या माफ़ कर देना इस तरह की शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हैं अब हमें ये ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है कि इन शक्तियों के प्रयोग में भी आमतौर पर राष्ट्रपति जो हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री और जैसे मैंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कोलिजियम की जो व्यवस्था होती है उसका अनुपालन करते हैं लेकिन कई बार जब किसी को फांसी की सजा सज़ा दी जाती है और वो फाइल अंत में जो क्षमादान की के लिए एक मर्सी पिटिशन जिसे कहा जाता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो कई राष्ट्रपति लंबे समय तक उन फाइलों को अपने पास रखते हैं और उसका कोई नियम नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय बाद उन फाइलों का निपटारा करेंगे तो अगर हम देखें तो अपने देश के इतिहास को तो प्रणब मुखर्जी ने काफ़ी सारे जो क्षमा याचिका थी या मर्सी पिटिशन्स थे उन्हें रिजेक्ट किया उस पर फैसला लिया लेकिन उनके पहले के जो राष्ट्रपति थे चाहे वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हों या फिर ए पी जे अब्दुल कलाम हों आम तौर पर उन्होंने इस तरीके की मर्सी पटिशन्स को ना तो ना न तो स्वीकार किया न उसे नकारा तो यहाँ पर कुछ हद तक राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं वो चाहे तो इन फाइलों को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं और वो फिर इस मामले में आम तौर पर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्तावों के द्वारा या स्थापित परंपराओं के द्वारा ही काम करते हैं लेकिन थोड़ा उनके पास एक स्कोप होता है कि वो अपने विवेक का भी इस्तेमाल कर सकें और अगर हम प्रणब मुखर्जी की जो पुस्तक है प्रेसिडेंशियल ईयर जो कि पिछले वर्ष प्रकाशित हुई थी 2020 में उसमें हम अगर ध्यान दें तो उन्होंने यह बताया है कि किस तरह की परंपराएं रही हैं और आम तौर पर उन्होंने जो निर्णय लिया वो उन परंपराओं के अनुरूप ही लिया तो ये एक प्रमुख पहलू है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियाँ भी होती हैं जिसमें कि वह काफ़ी हद तक ब्रिटिश क्राउन की तरह ही होता है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन बुलाने उनका सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने के अधिकार से युक्त होते हैं आवश्यक होने पर वे दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकते हैं लोकसभा निर्वाचन के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में अलग अलग चर्चा होती है अब ये सारी जो बातें हैं उसमें उसके बारे में हमें यह ध्यान रखना है कि ये बातें केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करते हैं और बिना इसके कोई भी विधेयक विधि का रूप नहीं ले सकता है राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है पुनर्विचार को भेजे जाने की निश्चित समय सीमा नहीं होने पर राष्ट्रपति इसे दीर्घकाल तक लंबित रख सकता है इसे जे बी विटो कहते हैं और यदि राष्ट्रपति के पास संसद से कोई विधेयक आता है और वो राष्ट्रपति के द्वारा लौटा दिया जाता है और फिर संसद उसी विधेयक को पुनः पारित करती है तो उसे यानी कि राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ता है राष्ट्रपति राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित उन विधेयकों पर भी हस्ताक्षर करते हैं जो उनकी स्वीकृति के लिए संबंधित राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए जाते हैं अब आप एक चीज़ में बहुत छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा एक तो ये कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है और राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब उस विषय पर तुरंत ही संसद द्वारा अधिनियम नहीं बनाया जा सकता है तो जो स्लाइड्स है उसमें आमतौर पर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति करता है लिखा हुआ है क्यों क्योंकि वहाँ पर हम एक पद की बात कर रहे हैं तो दोनों ही चीज़ों का प्रयोग जब हम हिंदी में लिखते हैं तो करते हैं जब हम पद की बात करते हैं तो हम राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है और जैसे ही हम उसमें एक व्यक्ति की सोच को ले आते हैं या हम ये मानकर चलते हैं कि उस पर एक व्यक्ति बैठ चुके हैं तो हम हिंदी में आ, कर सकते हैं या तुलनात्मक रूप से सम्मानजनक भाषा की ओर मुड़ जाते हैं तो ये आ, ये आ, जो हम स्लाइड्स को देख रहे हैं उसे और जो मैं बोल रहा हूँ उसके बीच में जो थोड़ा सा अंतर है उसको समझने के लिए मैंने ये स्पष्टीकरण दिया और अगर आप हिंदी में बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि जब एक पद की बात की जा रही है तो आमतौर पर ये मान कर चला जाता है कि जब हम उस पद के बारे में लिख रहे हैं तो प्रधानमंत्री ऐसा काम करता है या राष्ट्रपति को ऐसा काम करना चाहिए या राष्ट्रपति के पास इस तरह की शक्ति नहीं है कि वह उसे दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सके तो उसे उन्हें की जगह ऐसा इस्तेमाल होता है तो ये आ, हमें समझ कर रखने की ज़रूरत है बहुत ही छोटी सी बिंदु है पर फिर भी महत्वपूर्ण है आ, भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों पर हम ध्यान देंगे भारत के राष्ट्रपति को संकट काल का मुकाबला करने हेतु भारत का संविधान बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान करता है संविधान के अनुच्छेद तीन से तीन तक तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियों की चर्चा की गई है और हम आपातकाल के बारे में अलग से आ, हमने चर्चा हम आगे चर्चा करेंगे इसमें जो अलग तरीके की आपातकालीन शक्तियां हैं उसमें युद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित आपातकालीन शक्ति है संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह अनुभव हो कि युद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इसकी संभावना के कारण भारत या इसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है तो वह आपात की स्थिति की घोषणा कर सकता है उपयुक्त तो शब्दावली सब, सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जोड़ा गया और यह आपातकाल के अनुभवों के कारण हुआ यह घोषणा पूरे भारत या भारत के किसी भाग के संदर्भ में की जा सकती है यह जरूरी नहीं कि ऐसी स्थिति वास्तव में उत्पन्न हुई हो राष्ट्रपति को इसकी संभावना का समाधान होने पर भी वह ऐसी घोषणा कर सकते हैं और आमतौर पर जो राष्ट्रपति की यह घोषणा होती है आमतौर पर क्या ये एक तरीके की परंपरा ही है हमारे देश में कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के माध्यम से ही राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा किया जाता है तो आ, हमें जहाँ भी ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर राष्ट्रपति के पास जो उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके पास अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करने की थोड़ी छूट है उसका मैं अलग से उल्लेख कर रहा हूँ अन्यथा सारे मामलों में राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही काम करना होता है तो हम आ, इसी संदर्भ में जो उनकी संकटकालीन शक्तियाँ हैं उसमें हम आ, आर्टिकल 356 या अनुच्छेद तीन की बात कर सकते हैं जहां पर राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अगर किसी राज्य की व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर रही है और केंद्रीय मंत्रिमंडल या रा, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल इस तरह की अनुशंसा करता है इसके अलावा वित्तीय आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या वित्तीय साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है और अभी तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है लेकिन इस घोषणा का क्या परिणाम हो सकता है इस घोषणा का परिणाम यह होगा कि संघ की कार्यपालिका राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी निर्देश दे सकती है इसके अंतर्गत राज्य के कर्मचारियों के सभी या किसी वर्ग विशेष के वेतन और भत्तों में कमी का निर्देश दिया जा सकता है और यहाँ तक कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है उस पर भी इस तरीके का निर्णय लागू होगा राज्य के आ, सभी धन विधेयक तथा अन्य संचित निधि पर भारित विधायकों को राज्य विधानमंडल में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने का निर्देश भी दिया जा सकता है ठीक है तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपका ध्यान अभी तक जो हमने चर्चा की है उसके बारे में दिलाना चाहूँगा हमने यह बात की कि जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसमें जो नौकरशाही की बात हो उसमें मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊँगा लेकिन हमारा जो मुख्य लक्ष्य यहाँ पर है वह राष्ट्रपति के पद उनके उनका चुनाव कैसे होता है उनकी शक्तियाँ क्या हैं प्रधानमंत्री से उनका संबंध क्या है उसकी चर्चा के बारे में है और अभी तक मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद की रूपरेखा किस तरीके से रखी गई है और राष्ट्रपति कौन बन सकता है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति की अलग अलग शक्तियाँ कौन सी हैं और जब मैं इसका वर्णन कर रहा था तो मैंने बहुत ही साफ़ तरीके से आपको बताया कि अधिकांश मामले में कुछ एक मामले ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रपति के पास स्व का इस्तेमाल करने की गुंजाइश है लेकिन वह गुंजाइश भी बहुत सीमित है यानी कि वो प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को वापस भेज सकते हैं लेकिन या संसद के किसी कानून को भी जो धन विधेयक नहीं है उस पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं लेकिन जब वो दोबारा वापस आता है उनके पास तो वो सिर्फ उसे मंजूरी दे सकते हैं वो और कुछ नहीं कर सकते हैं और इसके अलावा जो बहुत सारे काम हैं चाहे वो वित्तीय मामलों से संबंधित हो चाहे वो विधायिका से संबंधित हो चाहे वो कार्यपालिका के आदेश से संबंधित हो इन सभी मामलों में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान के रूप में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के माध्यम से जो अनुशंसाएं आती हैं उस पर दस्तखत करते हैं उसे मंजूरी देते हैं तो ये हमें राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में समझकर रखने की ज़रूरत है भारत में अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में वास्तविक संबंध कैसा रहा है व्यवहारिक स्तर पर इसने किस तरीके का रूप धारण किया है तो इस बात का मैंने उल्लेख वैसे पीछे कर दिया है कि जो संविधान का अनुच्छेद चौहत्तर है आर्टिकल सेवेंटी उसकी धारा एक में यह व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सहायता और सुझाव देगी अनुच्छेद चौहत्तर की धारा दो में यह व्यवस्था भी की गई कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए किसी भी परामर्श की जांच अदालत द्वारा नहीं की जाएगी और मैंने आपको बताया कि उन्नीस में हुए संविधान के चौवालिसवें संशोधन के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संबंध परंपरा पर आधारित था यह संविधान में सम्मिलित प्रावधानों पर आधारित नहीं था इस परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक मुखिया होता है चौवालीसवें संशोधन के बाद स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति आखिरकार कैबिनेट के सुझाव के अनुसार काम करेगा वह ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट को सिर्फ एक बार अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है लेकिन आ, ऐसा नहीं रहा है कि हमेशा ही जो अलग अलग राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने इस स्थिति को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है विशेष रूप से जो हमारे देश में प्रथम प्रधान प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी स्थिति को हम ब्रिटेन के क्राउन की स्थिति के अनुरूप नहीं मान सकते हैं राजेंद्र प्रसाद जी का यह कहना था कि जैसे जो ब्रिटेन का जो क्राउन होता है चाहे वहाँ पर क्वीन के रूप में हो या फिर कोई किंग भी हो सकते हैं वो जो एक पद है राजशाही का वह वंशानुगत है और एक राजा के बाद उनका पुत्र या उनकी पुत्री के द्वारा वो शासन संभाला जाता है लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे चुना जाता है वह बाकायदा निर्वाचित होता है आ, वो आ, उसे हटाया जा सकता है यानी जैसे मैंने आपको बताया कि उस पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है तो यह कहना राजेंद्र प्रसाद के अनुसार सही नहीं है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो पूरी तरीके से ब्रिटेन के क्राउन की तरह हैं और उन्होंने इस आधार पर राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई नए तरीके से व्याख्या पर भी जोर दिया लेकिन उनसे भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल एम पी सितलवारवाड़ मिले थे और उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को स्पष्ट करने की कोशिश की थी और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद विवाद है क्योंकि इसने हमेशा के लिए परंपरा के तौर पर यह स्थापित कर दिया कि राष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी सितलवाड़ ने यह कहा कि राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रियों को सुझाव दे सकते हैं और राष्ट्रपति के माध्यम से या राष्ट्रपति के द्वारा आने वाले सुझाव को अमूमन आम तौर पर मंत्री गंभीरता से लेंगे किंतु यदि मंत्री राष्ट्रपति के सुझाव पर ध्यान नहीं देते हैं और वो उन्हें यह लगता है कि राष्ट्रपति के सुझाव तो ठीक हैं पर हमें करना कुछ और है तो ऐसे में राष्ट्रपति को मंत्रियों के सुझाव के अनुसार काम करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो जोर जो दिया गया वो इस बात पर जोर जो दिया गया कि जो राष्ट्रपति की जो हैसियत होती है उनका जो व्यक्तित्व होता है उनका जो पद होता है वो ऐसा होता है कि उनके सुझावों को प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य गंभीरता से लेंगे लेकिन आ, और वो एक तरीके से पर्सुएसन की चीज़ होगी लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति उनके फाइल को लौटा देंगे या उस पर दस्तखत नहीं करेंगे आ, ऐसी स्थिति होने पर राष्ट्रपति को आ, उनकी बातों को अंत में स्वीकार करना ही पड़ता है और बाद में जो अनुच्छेद चौहत्तर एक में चौवालीस में संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई उससे तो यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई अब ये एक आ, ऐसी स्थिति है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का संबंध जिसके बारे में हम और आगे थोड़ा विस्तार से देखेंगे लेकिन उसके पहले यह भी समझना जरूरी है कि कैबिनेट और प्रधानमंत्री के बीच का जो संबंध होता है वो कैसा रहा है और आमतौर पर व्यवहारिक राजनीति में आ, यह प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है लेकिन जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे और वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री दोनों नेताओं के कद में तकरीबन या तो बराबर था या पटेल उम्र के कारण अनुभव के कारण जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा मजबूत स्थिति में थे तो प्रधानमंत्री और की शक्ति और उनके मंत्रिमंडल के भीतर जो सदस्य हैं उनके बीच की जो शक्ति है या उनके बीच का जो संबंध है इन इस मुद्दे पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के बीच में पत्राचार भी हुआ था तो पटेल और नेहरू के बीच में जो ये पत्राचार है वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो आ, एक प्रधानमंत्री की स्थिति है और जो मंत्रिमंडल के सदस्य की स्थिति है उसके बारे में दो ऐसे अलग अलग विचारों का व्यक्त करता है जो कि आमतौर पर जो संसदीय राजनीति की पूरी व्यवस्था है उसमें भी एक विवाद का विषय रहा है तो प्रधानमंत्री की स्थिति और अपने कैबिनेट के अन्य सदस्यों को नियंत्रित करने की उसकी शक्ति व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री के राजनीतिक पद पर निर्भर करती है अब नेहरू जो थे उन्होंने पटेल को लिखे पत्र में इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री कैबिनेट का सिर्फ दिखावी प्रमुख नहीं होता है बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे नीति की सामान्य प्रवृत्ति और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय के लिए ज़्यादा जवाबदेह होना चाहिए इसका मोटे तौर पर अर्थ यह है कि जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से वह मंत्रिपरिषद के या मंत्रिमंडल के सभी कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा जवाबदेह होते हैं उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि नीतिगत रूप से सरकार किस दिशा में जा रही है वो इस बात का ध्यान रखें और वो अगर उन्हें लगता है कि ये चीज़ सही तरीके से नहीं हो रही है तो वो उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा जवाबदेह हैं लेकिन वल्लभ भाई पटेल का जो विचार था वो इससे अलग था वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री समानों में प्रथम होते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स के रूप में होते हैं और वे ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों पर कोई सर्वोच्च शक्ति या ओवर पावर हासिल नहीं होती है पटेल ने अपने पत्र में यह लिखा और मैं इसके कोट कर रहा हूँ नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालय और उसके लिए जिम्मेदार मंत्री की होनी चाहिए और प्रधानमंत्री सिर्फ सुझाव और परामर्श के माध्यम से उसे प्रभावित कर सकता है तो ये वो समय था जबकि गांधी जीवित थे और नेहरू और पटेल के बीच में ये विवाद काफ़ी तीखा होता जा रहा था लेकिन मुख्य रूप से हम इसे दो बड़े नेताओं के बीच के अंतर्द्वंद्व को रूप के रूप में भी देख सकते हैं लेकिन अगर हम संसदीय राजनीति की परिपाटी के हिसाब से देखें तो हम यह कह सकते हैं कि जहाँ पटेल यह मानते थे कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वह अपने विभाग के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं और प्रधानमंत्री हर चीज़ में दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं और वो समानों में प्रथम के रूप में कुछ सुझाव दे सकते हैं वही नेहरू का मानना था कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है कि जो सरकार है जो मंत्रिपरिषद है वो किस दिशा में जा रही है और ऐसी स्थिति में अगर वो जरूरी है तो वो विभिन्न मंत्रालयों के कार्य में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं तो ये विवाद और आगे बढ़ता और दोनों नेता एक अलगाव की तरफ मुड़ते हैं उससे पहले ही गांधी जी की हत्या हो गई जिसके बाद उन्होंने इस विवाद को यानी कि नेहरू और पटेल ने इस विवाद को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आ, भारत में जो संवैधानिक इतिहास है उसमें कार्यपालिका के नेतृत्व में हम कई तरह के पैटर्न देख सकते हैं और उसमें नेहरू और पटेल की मौजूदगी के पांच भागों में से हम बांट सकते हैं आ, पहला नेहरू और पटेल की मौजूदगी में मुख्य रूप से संसदीय अर्धसंसदीय संसदीय सं, संसदी अर्ध संघीय नेतृत्व व्यवस्था जो दिसंबर 1950 में पटेल के देहांत के बाद प्रधानमंत्री कैबिनेट व्यवस्था में तब्दील हो गई यानी कि जो नेहरू और पटेल जब एक साथ मंत्रिमंडल में थे तो आ, वो व्यवस्था जो थी वो संसदीय अर्ध संघीय नेतृत्व के रूप में थी लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो अर्ध संसदीय अर्ध संघीय पैतृकवादी प्रधानमंत्री व्यवस्था बन गई और उन्नीस तक के इंदिरा गांधी के शासनकाल को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है और तीसरा संघीय नेतृत्व रहा मुरारजी देसाई इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का प्रधानमंत्री काल चौथा गठजोड़ और अल्पसंख्यक सरकारों के दौर के रूप में रहा और पांचवा मजबूत केंद्रीय नेतृत्व वाला दौर रहा मैं बहुत ही संक्षेप में इन सारे पहलुओं पर आपको थोड़ी समझ देने की कोशिश करूँगा जो मुख्य रूप से अगर हम इस बात को देखें कि नेहरू जब प्रधानमंत्री थे और उनके समय में पटेल की मृत्यु के बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों की स्थिति क्या रही तो एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं नेहरू ने अपने समय में एक संरक्षक की भूमिका जरूर निभाई मंत्रियों के संदर्भ में लेकिन उन्होंने संसद को तो काफ़ी महत्व दिया है अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के कार्यों में जरूरत से ज़्यादा दखल या जबरदस्ती की दखलंदाजी कभी नहीं की बल्कि उनकी स्वायत्ता का सम्मान ही किया तो जो नेहरू थे उनके समय में जब परिवार नियोजन की पूरी प्रक्रिया पूरी कार्यक्रम को शुरू करने की बात हुई तो नेहरू ने संबंधित व्यक्ति जो विदेश से आए हुए व्यक्ति थे संयुक्त राज्य अमेरिका के उनकी बातों को सुनने के बाद उनसे यह कहा कि वो स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर से बात करें क्योंकि वो इस मंत्रालय को देख रही हैं तो उन्होंने यह ध्यान रखा कि मंत्रिमंडल के साथ जो उनका संबंध है वो ऐसा संबंध हो जहाँ पर वो मंत्रिमंडल के पूरी दिशा को तो तय कर रहे हों लेकिन साथ ही मंत्रियों के स्वायत्ता पर भी ध्यान दें इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी काफ़ी हद तक ये स्थिति रही लेकिन इंदिरा गांधी का प्रभाव जब बढ़ा तो उन्होंने काफ़ी हद तक मंत्रियों के कामों में भी दखलंदाजी करनी शुरू की क्योंकि वो बहुत मजबूत नेता के रूप में उभर सकी चुकी थी लेकिन जब उन्नीस के बाद आ, जब एक ऐसी व्यवस्था सामने आती है जहां पर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं जनता पार्टी के आ, नेता के रूप में तो वहां चूँकि जनसंघ और कई अन्य दल उस जनता पार्टी का हिस्सा थे तो प्रधानमंत्री ने यह कोशिश की और उनकी स्थिति भी ऐसी थी कि वो सभी धड़ों को एक साथ लेकर चल सकें इंदिरा गांधी अपने दूसरे शासनकाल में और राजीव गांधी भी अपने प्रधानमंत्रित्व के प्रधानमंत्री के आ, काल में काफ़ी हद तक मंत्रियों को आ, के साथ एक ऐसी समझदारी भरा संबंध रखने की तरफ ही मुड़े जिसमें कि मंत्री आ, जो हैं वो उनकी परामर्श को माने और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो वो मंत्रिमंडल के कार्य में दखलंदाजी ना करें तो लेकिन ये दो दो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर नहीं थी काफ़ी हद तक मजबूत थी लेकिन वो इतनी मज़बूत भी नहीं थी कि वो विभिन्न राज्यों के नेताओं को बिल्कुल ही अनदेखा कर सकें लेकिन जब उसके बाद और ये स्थिति इसलिए भी आई जब हम अस्सी की राजनीति को देखेंगे तो क्योंकि कांग्रेस को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ रहा था कर्नाटक में और आ, आ, आंध्र प्रदेश में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तभी हार का सामना करना पड़ा राजीव गांधी के शासनकाल में दो वर्ष बीतते बीतते वी सिंह के रूप में एक बहुत मजबूत विरोध का उभार हो चुका था तो इन सारी स्थितियों ने प्रधानमंत्री की शक्ति की सीमाओं को भी सीमित किया आ, और यानी कि उनके शक्ति में कई तरीके के, के आ, सीमाएं लगा दीं और इसके कारण से प्रधानमंत्री का का जो एक की जो भूमिका थी वो बहुत कमजोर नहीं हुई क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे वो इंदिरा गांधी हो 1980 से चौरासी के बीच में या चाहे राजीव गांधी हो चौरासी से लेकर नवासी के बीच में वो अपने सरकार के अस्तित्व से नहीं जूझ रहे थे उनके पास बहुमत था लेकिन चूँकि राज्यों की राजनीति इस प्रकार थी या इस प्रकार से उभर रही थी और बाद में राजीव गांधी के काल में केंद्र की राजनीति भी ने भी एक ऐसा मोड़ लिया कि वो इस स्थिति में नहीं रह गए कि वो बिल्कुल एक आ, ऐसे मनमानेपन के रूप में मनमाने प्रधानमंत्री के रूप में काम कर पाए जहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का कोई महत्व ना हो कुछ हद तक या कुछ श्रेय हम उनके व्यक्तित्व को भी इसका दे सकते हैं जहाँ पर वो एक प्रधानमंत्री के रूप में बाकी सभी मंत्रियों और मंत्रालयों को भी महत्व देते थे लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गठजोड़ और अल्पसंख्यक सरकारों की स्थिति सामने आई उन्नीस के बाद में तो एक तरीके का संघीय नेतृत्व तो, सामने आया एक अस्थिरता की स्थिति हम देख सकते हैं नरसिम्हा राव के समय में नरसिम्हा राव भी आ, समानों में प्रथम से आगे की स्थिति में थे और प्रधानमंत्री के रूप में वो चीज़ों को नियंत्रित कर रहे थे लेकिन काफ़ी नीतिगत रूप से वो चीज़ों में आमूल आ, परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं थे आर्थिक नीति जब उन्होंने आगे बढ़ाई तो उनके पास अन्य दलों का समर्थन था लेकिन वे यानी कि जो ऐसे दल जो सरकार को समर्थन दे रहे थे वामपंथी दलों ने और अन्य दलों ने तो उनका खैर विरोध किया ही लेकिन बाकी सारे आ, मामलों में उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा कई राज्यों में कांग्रेस की स्थिति भी कमजोर हुई तो वो भी इस स्थिति में नहीं थी कि वो पूरी तरीके से अपनी मनमर्जी से मंत्रिमंडल को आ, चला पाएँ तो उन्होंने वो समानों से प्रथम से आगे की स्थिति में थे लेकिन वहाँ पर भी जो अलग अलग राज्यों से जुड़े नेता थे वो अपनी मजबूत उपस्थिति के साथ थे संयुक्त मोर्चा की सरकारें या नरसिम्हा राव के पहले जो वीपी सिंह की सरकार थी उन सरकारों में काफ़ी हद तक संघीय जो प्रतिनिधि थे अलग अलग राज्यों के जो नेता थे उनका महत्व रहा और उसके बाद के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कुछ हद हाँ तक गठबंधन की सरकारों को एक स्थिरता देने की कोशिश की तो उस स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि जो आ, राज्यों के या विभिन्न पार्टियों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने अपनी शक्तियों की दावेदारी की और कुछ हद हाँ तक वो जब सरकारों से जुड़ते थे और यह बात आ, संयुक्त मोर्चा के सरकारों जिसमें कि देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे उसके बारे में भी सच है कि जब आ, बहुत सारे दल किसी मंत्री में मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो उन्होंने यह बात सामने रख दी कि उनके लिए रेल मंत्रालय फिक्स होना चाहिए या उनके लिए कोई और जो दूसरे मंत्रालय उनके पसंद का हो वो फिक्स होना चाहिए और उसके बाद वह पार्टी अपनी तरह से निर्णय लेती थी कि उस मंत्री के पद पर कौन सा मंत्री जाएगा यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में जो ये माना जाता है कि वो अपनी पसंद से मंत्रियों का चुनाव करते हैं वह शक्ति काफ़ी सीमित हो गई लेकिन अगर हम वाजपेयी के शासन को देखें और उसके बाद से यूपीए पी वन और यूपीए पी टू के शासन को भी तो यह सीमा तो रही कि प्रधानमंत्री मोटे तौर पर यह तय नहीं कर पाते थे कि सारे जो मंत्रालय हैं वो अपने पसंद के व्यक्तियों को दें चूँकि उन्हें गठबंधन सरकार चलाना था इसलिए वो बहुत सारे मंत्रालयों को दूसरी पार्टियों को दे देते दे थे, थे और फिर वो मंत्री कौन होगा यह उस पार्टी के द्वारा तय किया जाता था व्यवहारिक रूप से या सैद्धांतिक स्तर पर तो यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का चयन खुद करते हैं लेकिन यह सीमा रही और यह सीमा सिर्फ राष्ट्रीय मोर्चा या संयुक्त मोर्चा सरकारों के साथ नहीं रही बल्कि इस यह पूरी की पूरी सीमा अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के सरकार में भी देखी जा सकती है लेकिन जो एक स्थिरता मिली गठबंधन की सरकारों को आ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से खासतौर पर उन्नीस के बाद जब वो दूसरी बार सत्ता में आए तो उसके कारण से प्रधानमंत्री अपने व्यक्तित्व के कारण एक मजबूत स्थिति में आए एक सीमा के बाद वो जो क्षेत्रीय दल थे वह उनके कार्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए क्योंकि ऐसे कई सारे अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का प्रबंधन करने का जो एक व्यवहार है या जो एक कौशल है वह इन सरकारों ने धीरे धीरे विकसित कर लिया तो एक एक लोकप्रिय मजबूत व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री कुछ हद तक जो क्षेत्रीय दल थे उनके कारण से आ, अपनी भूमिका को में थोड़ी बहुत सीमा को स्वीकार करता है लेकिन उसके बाद वह अपने मंत्रिमंडल में एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति के रूप में भी स्थापित होता है यानी कि जो क्षेत्रीय दल थे वह अब यह धमकी देने की स्थिति में नहीं थे कि वो इन सरकारों को अपने समर्थन अपना समर्थन वापस लेकर गिरा लेंगे क्योंकि दूसरे कई अन्य क्षेत्रीय दल उसका समर्थन करने के लिए तैयार थे मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री की का जो पूरा आ, की जो पूरी शक्ति है अपने मंत्रिमंडल के साथ या कैबिनेट के साथ जो उनका संबंध है वह 1990 के दौर में काफ़ी सारे परिवर्तनों से गुजरा कुछ सरकारों में प्रधानमंत्री काफ़ी दुर्बल और मजबूर नजर आए लेकिन धीरे धीरे गठबंधन सरकारों में भी वाजपेयी की सरकार में और बाद में मनमोहन सिंह की सरकार में जो प्रधानमंत्री थे उनकी स्थिति मजबूत हुई हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार में प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के बीच के संबंध में एक और तत्व उभर कर सामने आया और वह था कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चूँकि मनमोहन सिंह खुद एक बहुत लोकप्रिय नेता नहीं थे और उन्हें पार्टी के भीतर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाया और दोनों ही बार वो प्रधानमंत्री बने तो उनके पीछे सोनिया गांधी और संगठन के समर्थन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी तो मनमोहन सिंह की शक्ति पर वाजपेयी की तुलना में इसलिए भी एक बड़ी सीमा थी कि वे काफ़ी हद तक कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस पार्टी के प्रति जिम्मेदार थे और उनके बहुत से मंत्रिमंडल सहयोगी भी जो कि कांग्रेस पार्टी के थे वो आ, सोनिया गांधी के प्रति खुद को ज़्यादा जिम्मेदार मानते थे तो व्यवहारिक स्तर पर हम प्रधानमंत्री की शक्तियों पर इस सीमा को देख सकते हैं और कई बार आ, जब आ, ऐसे ऐसी स्थिति आई कि मंत्रिमंडल में किसी क्षेत्रीय दल के नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो प्रधानमंत्री बहुत मजबूती से खुद यह फैसला नहीं कर पाए कि वो उस मंत्री को हटा ही देंगे और वो कई बार इस बात का फैसला करने के लिए क्षेत्रीय दल जिसके नेता पर यह आरोप लगा था उस पर निर्भर रहे और कई ऐसी स्थिति भी आई जब क्षेत्रीय दलों ने अपनी मर्जी के हिसाब से मंत्रियों को हटा दिया मिसाल के तौर पर जब दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री थे और ममता बनर्जी मनमोहन सिंह सरकार का समर्थन कर रही थी तो जब एक बार रेल का का किराया बढ़ा तो ममता बनर्जी के निर्देश पर दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया तो ये जो एक स्थिति थी वह ऐसी स्थिति थी जहाँ पर प्रधानमंत्री बहुत ही मजबूर और मूख दर्शक के रूप में सामने आए तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो प्रधानमंत्री की केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ स्थिति है उसमें गठबंधन के दौर में वाजपेयी की स्थिति काफ़ी मजबूत रूप में उभर कर सामने आई मनमोहन सिंह सरकार की स्थिति भी क्षेत्रीय दलों के संदर्भ में कुछ हद तक मजबूत रही लेकिन मनमोहन सिंह वाजपेयी की तुलना में अपने मंत्रिमंडल के संदर्भ में कुछ हद तक कमज़ोर प्रधानमंत्री इसलिए दिखते हैं क्योंकि उन पर उनकी पार्टी का नियंत्रण ज़्यादा था वाजपेयी पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नियंत्रण था लेकिन वह उस नियंत्रण को आ, से आ, इतने ज़्यादा बंधे हुए नहीं थे जितने कि मनमोहन सिंह अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण से थे अब अगर हम 2014 के बाद की स्थिति को देखते हैं तो 2014 के बाद की स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि एक मजबूत केंद्रीय सत्ता का उदय हुआ है 2014 में भी जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है उसे बहुमत मिला और 2019 में भी उसे बहुमत मिला और हम यह भी देख सकते हैं कि 2014 और 2019 दोनों में ही नरेंद्र मोदी ने एन यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में सरकार को गठन किया और उन्होंने कोशिश की कि इसमें जो क्षेत्रीय दल जो कि एन से जुड़े रहे हैं उनके प्रतिनिधि शामिल हों लेकिन जो चूँकि एक पार्टी को बहुमत मिल चुका है और चूँकि प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसे नेता का उदय हुआ जिस जिसका कि लोगों के ऊपर काफ़ी प्रभाव या काफ़ी पकड़ था तो ऐसी स्थिति में जो प्रवृत्ति उन्नीस के बाद से चली आ रही थी वो काफ़ी पीछे हट जाती है और प्रधानमंत्री सबसे मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आ जाते हैं अब अगर हम आज की स्थिति देखें 2014 से बाद से लेकर तो हम यह कह सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट है उसके भीतर ना तो उनकी पार्टी का कोई नेता उन्हें चुनौती देने की स्थिति में है और ना ही कोई क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय दल जिस तरीके की सौदेबाजी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में या मनमोहन सिंह के समय में कर पाते थे वो अब ऐसा करने की स्थिति में नहीं है हम साफ़ तौर पर ये देख सकते हैं अलग अलग इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं मिसाल के तौर पर शिवसेना ने दो हज़ार उन्नीस के चुनावों के बाद जब यह दावेदारी की कि उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए महाराष्ट्र पर और वो ऐसा ना होने पर भाजपा या एन डी अपना संबंध तोड़ लेगी तो उसकी इस धमकी को बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं लिया गया जिसका नतीजा भले ही यह निकला कि शिवसेना एन डी से अलग हो गई और महाराष्ट्र में उसने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली लेकिन जो मुख्य बात है वह यह कि क्षेत्रीय दलों के दबाव के आगे जो मौजूदा सरकार है और उसमें जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो नहीं झुके और वो काफ़ी हद तक मजबूत नेता के साम रूप में सामने आए गठबंधन की राजनीति के दौर में इसे एक नकारात्मक पक्ष भी माना जा सकता है लेकिन स्थिति जो है वो एक ऐसे प्रधानमंत्री की ओर संकेत कर रही है जो कि अपने मंत्रिमंडल पर भी और अपने सहयोगियों पर भी हावी हैं अब इसका एक दूसरा उदाहरण अकाली दल के एन से बाहर जाने के रूप में भी देख सकते हैं जो कि काफ़ी पुराना सहयोगी दल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कृषि कानूनों पर आ, जो एक विरोध था उसे दर्शाते हुए आ, अकाली दल ने एन से बाहर जाने की घोषणा कर दी तो एक बार फिर से लेकिन उसके बाहर जाने की की घोषणा प्रधानमंत्री पर कोई दबाव नहीं डाल पाया लेकिन निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि जो गठबंधन की का, के दौर का दौर है उस दौर में जो क्षेत्रीय दल हैं उनके पास अभी भी यह शक्ति कायम है कि अगर वो एन में शामिल हैं तो वो ये तय करेंगे कि उनकी तरफ से कौन मंत्री बनेगा नरेंद्र मोदी की सरकार में तो जब शिवसेना सहयोगी थी भारतीय जनता पार्टी की तो उसने यह तय किया या फिर अकाली दल ने भी ऐसा ही तय किया या जब लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास पासवान थे तो उन्होंने भी ये तय किया तो इस स्थिति तक क्षेत्रीय दलों के पास शक्ति है लेकिन आ, हम यह कह सकते हैं कि जो 2014 के बाद का दौर है उसमें काफ़ी जो शक्ति है प्रधानमंत्री की वह पीछे के प्रधानमंत्री की तुलना में मजबूत हुई है अपने मंत्रिमंडल में भी आ, के मैं अपने पार्टी के सहयोगियों के बीच भी और क्षेत्रीय दलों के बीच भी लेकिन अगर हम कुल मिलाकर यह स्थिति देखें कि जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसमें प्रधानमंत्री की शक्ति समय के साथ बदलती रही है पार्टी में उनकी स्थिति संसद में उनके दल की स्थिति इन सब चीज़ों ने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को और मंत्रिमंडल में अपने सहयोगियों के साथ उनके संबंध को तय किया है लेकिन अगर हम राष्ट्रपति की भूमिका पर एक बार फिर से वापस जाएँ तो हम यह देखेंगे कि भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उठाए गए कुछ सवालों को छोड़ दें तो उन्होंने और कुछ अपवाद के रूप में हम के आर नारायण की बात करेंगे पर आम तौर पर प्रधानमंत्रियों के संदर्भ में या प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट के, के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में राष्ट्रपति या अलग अलग राष्ट्रपतियों ने अपने नाम मात्र के प्रमुख होने की भूमिका को स्वीकार किया है कुछ राष्ट्रपति इसमें काफ़ी आगे तक चले गए जैसे फ़खरुद्दीन अली अहमद के बारे में यह कहा जाता है कि जब आ, उनके पास यह अनुशंसा आई कि राष्ट्र आंतरिक आपातकाल लागू करना है तो उन्होंने बिना कोई सवाल किए इस पर दस्तखत कर दिया और शायद आ, यह अपने आप में एक अजूबी सी अजूबा सी आ, बात थी अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद भी अगर हम राष्ट्रपति की भूमिका को देखें तो आ, कई बार कुछ राष्ट्रपतियों ने इस पर सवाल उठाएं जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार आ, इस बात पर नाराज़गी जाहिर की थी कि उनके पास बहुत सारे निर्णयों की जानकारी नहीं आ पाती है क्योंकि यह भी एक परंपरा है कि जितने सारे प्रमुख निर्णय होंगे उसे प्रधानमंत्री कभी समय समय पर मिलकर राष्ट्रपति को बताएंगे आ, कई बार यह भी हुआ कि राष्ट्रपतियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की या कम से कम अपने मेमोयर में अपने संस्मरणों में ऐसा लिखा जैसे प्रणब मुखर्जी ने अपनी संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में यह लिखा है कि जब अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए वहाँ की सरकार को गिरवाने का काम किया या उन्होंने कुछ विवादास्पद भूमिका निभाई तो उन्होंने बाद में केंद्रीय गृह मंत्री से राष्ट्रपति राज्यपाल की भूमिका को लेकर नाराज़गी जाहिर की थी लेकिन मोटे तौर पर राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने कभी भी एक सक्रिय राष्ट्रपति या एक ऐसा राष्ट्रपति जो कि प्रधानमंत्री के लिए या केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए शर्मिंदगी के कारण ऐसा काम करने की कोशिश नहीं की है और संविधान द्वारा दी गई अपनी भूमिका का निर्वाह किया है या हम ये भी कह सकते हैं आलोचनात्मक रूप से कि कम निर्वाह किया है क्योंकि कई राष्ट्रपतियों ने बहुत से विवादास्पद अनुशंसाओं को भी एक बार पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा मिसाल के तौर पर खुद प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति शासन जो अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगाया गया उसकी अनुशंसाओं को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते थे जिससे कि कम से कम आम लोगों में यह संदेश जाता कि राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला मनमाना है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया के आर नारायणन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने सक्रिय सक्रिय रूप से संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहते हुए राष्ट्रपति के, के पद को और ज़्यादा एक ऐसे पद में बदलने की कोशिश की जो कि शासन व्यवस्था में सकारात्मक तरीके से कुछ हस्तक्षेप कर सकता है भले ही इससे केंद्र सरकारी सरकार के लिए कभी कभी समस्याजनक स्थिति पैदा हो जाती हो जैसे कि उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को जो कि वाजपेयी सरकार ने लिया था एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था मैं कहना यह चाह रहा हूँ कुल मिलाकर कि अगर हम संवैधानिक प्रावधानों से आगे जाकर व्यवहारिक राजनीति में राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिमंडल के संबंधों को या केंद्रीय मंत्रिमंडल के भीतर प्रधानमंत्री की स्थिति को देखें तो बहुत सारी ऐसे पहलू उभर कर सामने आते हैं जो हमें भारतीय राजनीति को नए तरीके से समझने में मदद करते हैं मैंने उन कुछ पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश की बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर और ज़्यादा गहराई से बात करने की ज़रूरत है आ, मिसाल के तौर पर गठबंधन के दौर में कैसे प्रधानमंत्री की स्थिति रही है इस पर और ज़्यादा गहराई से बात की जा सकती है लेकिन मैंने यह कोशिश की कि मैं बिंदुवार अलग अलग समय में प्रधानमंत्री की स्थिति को आपके सामने रखूँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों की व्यवहारिक स्थिति या व्यवहारिक स्वरूप या व्यवहारिक रूप से उसमें होने वाले उतार चढ़ाव को आपके सामने प्रस्तुत करूँ मुझे ये उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद मोटे तौर पर आप भारत में राष्ट्रपति की स्थिति और राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री के संबंधों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे एक आखिरी बिंदु के साथ मैं अपनी बातचीत को ख़त्म करूंगा कि जब गठबंधन की स्थिति होती है या जब हंग पार्लियामेंट होता है जब किसी को बहुमत नहीं होता है तो वहाँ राष्ट्रपति के पास एक दरवाज़ा होता है कि वह अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर सके और उसके बारे में कई बार यह कहा जाता है कि शंकर दयाल शर्मा ने उन्नीस में जब सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था तो एक तरीके से उन्होंने एक परंपरा डाल दी थी लेकिन यह संवैधानिक स्थिति नहीं है राष्ट्रपति को वहाँ पर अपने स्वविवेक के अनुसार कुछ निर्णय लेने का भी अधिकार है तो आमतौर पर यह स्थिति बहुत बार सामने नहीं आई है क्योंकि गठबंधन सर चुनाव से पूर्व या चुनाव के बाद बनकर राष्ट्रपति के पास बहुमत के रूप में दावेदारी करने जाते रहे हैं बहरहाल ये भारतीय शासन और राजनीति में यह एक बहुत ही गतिमान विषय है और मुझे उम्मीद है कि कुछ बुनियादी बातों को मैं आपके सामने रख पाया हूँ और आगे आप इस विषय पर और पढ़ेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे आ, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ नमस्कार